अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम एलएपी बैक वाटर्स एक्सप्लोर करेंगे। तो आज मैं एलएपी में हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं बोटिंग पीछे। ये सारे बोट जो है कॉस्टली है, पर डे का 7000 कुछ है एक एक आदमी का। तो मैं अभी एक गवर्नमेंट बोट में हूँ, एक गवर्नमेंट बोट में भी बहुत 760 रुपीज़ पर हेड है। यहाँ पर एक घंटा ट्रैवल कर सकते हैं किधर भी। मैं पिछले उसमें कहते 7000 और भी है दूसरे, उसमें 600 पर हेड है, पर एक गवर्नमेंट का जो है ओनली 60 रुपीज़। बोट तो अच्छी है। ये मेरे पीछे जो बोट देख रहे हैं उसमें है 600 पर हेड, एक घंटे के लिए है वो। और इसे तो बेटर है गवर्नमेंट की बोट, ऊपर बैठ सकते हैं अच्छा, और 1 आवर किधर के अंदर कर सकते हैं 60 रुपीज़ 1 आवर के लिए। पीछे कंडक्टर का भी पीछे टिकट आ गए, देख सकते हैं आप लोग। ये पूरे क्या पीछे जो देख रहे हो वो पूरे गाँव है, सामने जो आ रही है ये बोट जो है 7000 पर हेड या 7000 पर नाइट है, इतने भी लोग में रह सकते हैं। पर सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, अवेलेबल ओनली फैमिलीज के लिए। अच्छा है, वेदर भी अच्छा है, पानी भी अच्छी नहीं है, पर डबल डेक करके फर्स्ट सीट से बढ़िया है। चलते हैं वहाँ जाके, वो बोट को पूछा, पर पीछे जो बोट दिखी उसका पूछा नहीं, पर वो बहुत कास्टली 7000 बोल रहे थे, तो इसके लिए मैं क्या करा, अभी ये गवर्नमेंट की बस दिखे थे उस पर बैठ गया। फिर इसमें टाइम वेस्ट भी है, फिर इसमें 1 डे लगता, सुबह चेकआउट है, उससे तो यही बैठना बेटर है। 1-2 आवर्स क्या इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। ये बोट में देखो पूरे फॉरेनर्स है, यूएस से यहाँ आए घूमने के लिए। आप लोग भी देखिए लोकेशन और एंजॉय करिए। आज केरला का मेरा 3rd डे है, 2 दिन का है, मैं मुन्नार में था, फिर 3rd डे एलएपी आया। एलएपी आने के बाद मैं सीधा इधर बैक वाटर्स आ गया था। आके क्या है हाउस बोट पूछा तो वो बहुत कॉस्टली बोले, ये 7000 बोल के बोले। तो अभी मैं क्या करा, वहीं पे गवर्नमेंट की बस दी, उसमें चढ़ के ऊपर बैठ गया। बस ये कहें पर है एक घंटा 60 रुपीज़, और इसमें अच्छा मेरे को इन्जॉय दिख रहा उससे। तो जो भी आ रहे हैं केरला के लिए एलएपी आ रहे तो, और ये गवर्नमेंट की बस में बच जाइए, सौ डबल डेकर बस में, उसमें क्या बहुत सस्ता है 60 रुपीज़ है पर हेड। और नीचे अगर नीचे बैठे तो 12 रुपीज़ पर हेड है, वो 1 घंटे के लिए है, ओनली 1 आवर घुमाते उसके अंदर। तो आप घूम सकते हैं, पर 1 घंटे के लिए 12 रुपये उसका चार्ज है, आप कितने भी दूर जा सकते हैं उसमें। पहुँचने के बाद फिर रूम लेके सुबह फ्रेशअप होकर इधर आ गया था।
और मैं कल भी यहीं पे रहता हूँ एलएपी में, कल भी डे स्पेंड करता हूँ इधर ही। अभी मैं ये बैक वाटर्स का ये होने के बाद लोग उतरने के बाद अभी एलएपी बीच जाके आता हूँ, बीच जाके आता फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे रूम ले लेंगे। ये देखो ये एक बोट स्टॉप है, ये पुंचेरी बोट शक्ति के स्टॉप है ये भी। अच्छा एंजॉय कर सकते हैं साइड सीन तो एलएपी में, पर दोपहर में बहुत गर्मी थी और ह्यूमिडिटी भी थी। अभी क्या शाम हो गई 4 बज रहे, 4 बजे से क्या उधर रिटायर हो गया और अच्छा दिख रहा है। तो भी देखो जरा आप ना वो पसंद है, अच्छा है वेदर भी। अभी बस स्टॉप आ गया, देख सकते हैं आप लोग, लोग उतर रहे हैं यहाँ पे। पूरे स्कूल के बच्चे इधर अच्छी आ रही है, बहुत तो वेदर बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर बैठे तो बहुत अच्छा दिख रहा। कोई केरला है तो बस में डबल डेकर पे बैठो, बहुत अच्छा दिखता। अगर नीचे बैठे तो क्या गर्मी होती, ऊपर क्या पूरा खुला रहता और हवा भी आती है तो अच्छा रहता। பள்ளியாசில் ஜிம்மா தூளும் மாடி தக்பீர்லாம் கட்டிட்டாங்க, தலை சீடு ஏப்பா உதவுலாம் செஞ்சுட்டு அது எப்படி கரெக்டா பள்ளியாசு வாசம் வெளியே நின்றுக்கிட்டு உள்ள போல அதுக்கு நல்லா எப்பயும் பார்த்து தான் இருக்கும். ஓகேவா அதே மாதிரி இல்லையா
I'm going to do it.